तो फ्रेंड आज मैं करने वाला हूँ नवरात्रि फोटो एडिटिंग, जो कि बहुत खास एडिटिंग होने वाला है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको चलते हैं, यहाँ दिखा देते हैं किस टाइप की फ़ोटो आपको क्लिक करवानी है, ठीक है? तो आपको कुछ इस तरीके का फ़ोटो क्लिक करवा लेनी है, ठीक है? कुछ भी अलग पोज भी दे सकते हो, ठीक है? और ये लिए बैकग्राउंड है जो कि इसमें मैं सेट करूँगा फ़ोटो को, ठीक है? और ये लिए जो बैकग्राउंड है मैंने इरेज कर चुका है, पहले से देख चुके हो। अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसका लिंक दे दूँगा कैसे फ़ोटो कट किया जाता है, मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा, जाकर वहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है? तो चलते इसे बैकग्राउंड को मैं शेयर कर लेता हूँ पिक्सेल में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा जो बैकग्राउंड है पिक्सेल अंदर ओपन हो चुका है। तो अब चलते हैं फ़ोटो को इसमें ऐड करते हैं। तो गाइस मैं ड्रा टूल से मैं जाकर वहाँ पे फ़ोटो को ऐड करूँगा, ठीक है? तो चलते हैं ड्रा टूल में। तो ड्रा टूल में जाएंगे और इसके बाद यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और फोटो पर क्लिक, सॉरी सॉरी स्टिकर पर भी क्लिक हो चुका है, तो माफ़ करना। तो मैं यहाँ से फ़ोटो क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको अपने फ़ोटो को यहाँ पे ऐड करनी है। तो हमारा जो फ़ोटो ये ले लेता हूँ, यहाँ से कर लेते हैं टैग। और ये कुछ इस तरीके का फ़ोटो है, तो गाइस यहाँ से आपको कुछ सेट कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पे सेट कर चुका हूँ, देख सकते हो। तो आपको करना है क्या है, आपको यहाँ पे जाना है और एक एंटी लेयर बना लेनी है। और बनाने के बाद क्या करना है, और थोड़ा सा यहाँ पे आपको कलर ब्लैक रखना है, ठीक है? क्योंकि शैडो बनाना है, ठीक है? और ये जो है ये लेयर को मैं नीचे बीच में कर दूंगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ब्रश का साइज़ क्या है। तो साइज थोड़ा छोटा रखेंगे, ओपोसिटी को कम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हार्डनेस है, तो हार्डनेस 1% रह गई है, तो यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फ़ोटो को जूम कर लूँगा और यहाँ से शैडो बना लूँगा, ठीक है? सॉरी मैं थोड़ा सा हार्डनेस को उड़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं शैडो बनाऊँगा, ठीक है? तो वैसे यहाँ पे शैडो बन चुका है, बट यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा ऑपोसिटी को कम कर लेनी है, ठीक है? थोड़ा ऑपोसिटी को कम कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। और यहाँ से कर लेंगे डन। और यहाँ पे शैडो बन चुका है गाइस, तो आपको सब क्या करना है, यहाँ पे जाना है ऐड फोटो में, और सॉरी सॉरी ऐड फोटो में जाने के बाद अपनी फाइल में आ जानी गाइस, जो मैं ये सारा का लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो ये वाली शेयर को मैं ऐड करूँगा, देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमारा शेयर है जो बहुत बेटर लगने वाला है, देख सकते हो भाई कितना बेटर लग रहा है। और क्या करेंगे, यहाँ से कर लेंगे डन। और डन करने के बाद क्या करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में और एक लाइट है जो कि मैं वहाँ पे सेट करूँगा, तो ये लाइट को मैं ऐड कर लेता हूँ। और चलते हैं यहाँ ब्रांडिंग बोर्ड में और यहाँ से कर लेंगे स्क्रीन और ये ना तो लगा देंगे और यहाँ ऑपोसिटी को कम कर लेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। तो वैसे यहाँ पे कर लेंगे डन। और डन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सारा काम हो चुका है, तो अब चलते हैं लाइट रूम में, वहाँ पे कलर सेटिंग करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ड्रा टूल में जाकर फोटो कर लेंगे सेव। तो हमारा जो फोटो है सेव हो चुका है, तो चलते हैं लाइट रूम की तरफ। तो यहाँ से चलता हूँ और यहाँ से लाइट रूम में शेयर कर लेता हूँ। तो गाइस हमारा जो फोटो है ऐड हो चुका है, तो चलते हैं लाइट रूम के अंदर। तो लाइट रूम यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो वैसे ये फोटो देखो मैं ऐड हो चुका है, तो अब यहाँ पे कलर शेडिंग करने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाई स्टेप देखना और अच्छे तरीके से देखना और वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ में आएगा, ठीक है? तो चलो यहाँ पे लाइट पे क्लिक करते हैं और लाइट को मैं कम करूँगा और शैडो को मैं बढ़ा दूँगा, ठीक है? और थोड़ा यहाँ कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा यहाँ पे कम, ठीक है?
उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ ब्लैक्स, तो यहाँ ब्लैक को थोड़ा सा यहाँ पर कम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको आना है कलर सेटिंग में, चलते हैं मिक्स पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेड यू को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, सॉरी कम कर लेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा यहाँ बढ़ा लेंगे, ठीक है। लुमिनस को भी हल्का सा यहाँ पे बना लेंगे। और क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे आना है ये येलो पे, ठीक है, और यू को थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम रखनी है, सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा देनी है, और लुमिनस तो लुमिनस को भी हल्का बढ़ा देंगे। और क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पर आना है ब्लू टोन पे, थोड़ा सा यू को भी कम कर दूंगा, सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा दूंगा, लुमिनस को भी हल्का बढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ से आना है इस पे, और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि जो हमारा फेस है अच्छे तरीके से थोड़ा सा गोरा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लुमिनस को भी बढ़ा दिया, और यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ पे बढ़ा देनी है, ठीक है। और क्या करना है, वाइब्रेंस को भी हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैन को थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो येलो टोन है बैकग्राउंड से तो फेस से हम मिल जाए, ठीक है। और क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको सेलेक्टेड टूल पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलते हैं सेलेक्टेड टूल पे, अगर आपको लाइटरूम में ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका लिंक दे दूंगा ऐसे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे काम करते हैं, और ये ली मैं ब्रश चॉइस कर लिया हूँ, और यहाँ से मैं इसे ऐसे घुमा दूंगा ताकि जो येलो टोन मैंने दिया उसको मैं शेड यहाँ पे थोड़ा सा ऐड हो दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं इस कलर पे, और येलो टोन देना है टैन पे, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो थोड़ा तो येलो टोन मिल ही रहे हैं हमारे बॉडी पे। तो गाइस आप देख सकते हो अच्छे तरीके से हमारा जो बॉडी पे है येलो टोन मिल चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं टैन, और ये करेंगे यहाँ पे इस पे आएंगे, थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है, वाइब्रेंस को भी हल्का कम कर लेंगे, और चलते इस पे और थोड़ा शार्पनेस को बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे नॉइस को थोड़ा बढ़ा लेंगे ताकि मेरा फेस से अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए, ठीक है गाइस। यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कलर नॉइस को बढ़ा लेंगे ताकि जो कलर अच्छे से और भी कलर भी अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है। तो मैं दिखाना चाहूँगा पहले का पिक कुछ इस तरीके का, और अभी जो मैंने लैपटॉप में एडिट किया है तो माकसम कुछ अलग ही एडिट हो जाता है। तो गाइस अब देख सकते हो, तो अभी इसको क्या करना है, अभी इसको सेव करना है, तो तीन डॉट पे क्लिक करके थोड़ा स्लाइड करना है, और देख सकते हो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सेव टू डिवाइस, इस पर क्लिक करके फोटो कर लेंगे सेव। सो गाइस अब देख सकते हो बहुत सिंपल सा था एडिट करने का, बहुत कम टाइम पे आप एडिट कर लीजिए। सो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, एकदम मत भूलना, और लाइक दबा के करना। और गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, गाइस ओके गाइस बाय बाय, टेक केयर।